हिमाचल प्रदेश में सरकार के फैसले से स्कूल बंद करने का विरोध आम आदमी पार्टी के सदस्य द्वारा किया जा रहा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के इस फैसले को विद्यार्थियों के हितों के विरुद्ध बताया है। अपनी इनको बोलो बेकार है, मना करो, इधर को टाइम तो बढ़ाना है। स्कूल बंद करना तो एक बहाना है, बेरोजगारी को बढ़ाना है। स्कूल बंद करना तो एक बहाना है, असल बेरोजगारी को बढ़ाना है। स्कूल बंद करना समाधान नहीं, शिक्षकों की भर्ती आपका प्रावधान नहीं। स्कूल बंद करना समाधान नहीं, शिक्षकों की भर्ती आपका प्रावधान नहीं। कांग्रेस पार्टी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय। बच्चों की शिक्षा मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने जिला सोलन में इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत करने की मांग भी की है। सरकार ने जो स्कूल बंद किए हैं वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करना चाहिए था, जो इस सरकार ने नहीं किया। सरकार हमेशा कर्ज ले रही है, पर जनता को आज तक न तो अच्छे स्कूल मिले, न अच्छे अस्पताल और न ही अच्छी सड़कें। फिर ये पैसा कहां जा रहा है? आए दिन एक नई नोटिफिकेशन जारी करती है कि फलाना स्कूल बंद हो गया, फलाना कॉलेज बंद कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस सरकार को चुना है, आज चुने हुए करीब करीब 4 महीने होने को आ गए हैं। पर यदि इनके कार्यशैली को देखा जाए, जहां एक और स्कूल को अच्छा करना था, वहां ये लोग स्कूल को कॉलेजेस को बंद करने में लगे हैं। मानते हैं कि पहले की सरकार ने गलती करी, बिना बिल्डिंग के स्कूल खोल दिए, ऐसी जगहों में स्कूल खोल दिए जो गलत जगह पे थे। हम उस चीज़ का समर्थन करते हैं कि भाई स्कूल ऐसी जगह पे जहां पे कोई भी एक आपके पास बच्चा नहीं है वैसी जगह पे तो ठीक है। पर साथ ही साथ इन्होंने एक और बात बोली है, सुक्खू सरकार ने ये बात बोली कि 10 से 25 संख्या के स्कूल है जहाँ पे 25 तक बच्चे हैं, उन सारे स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार से कि आपने ये क्या सोचकर ये एडवाइजरी जारी की, ये नोटिफिकेशन जारी की। अब मान लेते हैं 25 बच्चा नहीं है, ऑन एवरेज इन्होंने 1500 के करीब स्कूल बंद करने की बात कही है, कुछ बंद कर दिए, कुछ और अभी बंद करने हैं। कॉलेजेस भी काफ़ी संख्या में इन्होंने 60 से ज़्यादा कॉलेजेस भी बंद करने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो खेल खेल रही है, एक पार्टी खोलने का, एक बंद करने का, इसी में इनको मज़ा आ रहा है। पर ये जनता का, हिमाचल प्रदेश की जनता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में इस चीज़ की निंदा करती है और मांग करती है कि जिस तरीके से ये 7 से 8 हज़ार बच्चों के शिक्षा के ऊपर आपने जो चाबुक चलाया है, जो आपने एक छुरी चलाई है, उनको आपने कैसे शिक्षा प्रदान करवानी है, उनके ट्रांसपोर्टेशन का कोई इंतज़ाम करवाया है, उनके आने जाने का कोई बंदोबस्त करवाया है, आपने कोई एडवाइजरी इसके लिए जारी की है? तो हमारी मांग के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।